पंचायत चुनाव यानी गांव जवार और शासन की सबसे निचली इकाई का चुनाव। लेकिन चुनावी व्यवस्था में तामझाम और पैसे का किस तरह से बोलबाला है और बिहार में किस शाही अंदाज में पंचायत चुनाव चल रहा है, जरा उसकी एक तस्वीर देखिए। पंचायत के मुखिया जैसे सामान्य चुनावी पद के लिए सांसदों और विधायकों से बढ़कर नामांकन का तामझाम, दर्जनों घोड़ों का काफिला, हाथी और ऊंट की शाही सवारी के साथ जुलूस में गाड़ियां ही गाड़ियां, काफिले के आगे ढोल नगाड़ों का जश्न। नामांकन का ये शाही अंदाज दिखा है देसरी प्रखंड के धर्मपुर रामराय के पंचायत चुनाव में। पंचायत के चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने गांव के इस चुनावी नामांकन में ऐसा इंतजाम किया कि सांसद और विधायक भी शर्मा जाएं। पंचायत के मुखिया के प्रत्याशी ने नामांकन में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जुटाया, हजारों की भीड़ जमा की, भीड़ के आगे हाथी घोड़े और ऊंटों के काफिले को दौड़ाया और शाही अंदाज में नामांकन के लिए जाते नजर आए। नामांकन से पहले पुरोहितों ने मंत्रोच्चार और जयकारे लगवाए। मुखिया जी के लिए फूलों से सजी गाड़ी का इंतजाम किया गया, फिर आगे आगे मुखिया जी और पीछे पीछे शाही फौज का काफिला दिखा। मुखिया के मामूली पद के लिए इस शाही इंतजाम के सवाल पर मुखिया जी भड़क गए और समझाने लगे कि जब सांसदों विधायकों को जितवा सकते हैं तो खुद के नामांकन के लिए भी इंतजाम कर लिया। सांसद की तरह आप नॉमिनेशन कर रहे हैं इतना ताम धाम से? विधायक सांसद की तरह नहीं कर रहा हूँ, मैं पशु प्रेमी हूँ। जो कि आप जो अपना विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर मेला, उसमें भी 2018-2019 का मेरा पशु मेला में घोड़ा मेरा वैशाली एक्सप्रेस विजेता रहा है। इसीलिए जितने भी पशु रखने वाले घोड़ा हाथी ऊंट वो सब मुझे स्नेह प्यार दुलार से हमारे नॉमिनेशन में आए हैं और जनता को तो मैं रोक नहीं ना सकता हूँ। मैं निमंत्रण सबको देता हूँ कि भाई हमारा आज नामांकन है, आप लोग आइए। चूंकि मैं काम हाथी घोड़ों और गाड़ियों के काफिले के सवाल पर मुखिया प्रत्याशी इंदु देवी के पति प्रवीण कुमार ने कहा, हमने कहां लोगों को इकट्ठा किया है, क्षेत्र की जनता खुद चाहती है, लोगों ने खुद ही ये सारा इंतजाम कर दिया। मुखिया प्रत्याशी ने बताया कि वो खुद पशु प्रेमी हैं, इसलिए इलाके के सभी हाथी घोड़ों के मालिक उनके लिए अपने जानवरों के साथ नामांकन में पहुंचाए। बहरहाल ये हम भी जानते हैं कि ये चुनावी इंतजाम गांव जवार के लोगों को अपनी ठसक दिखाने के लिए है और वोटों के खेल में चुनावी ठसक का भी अपना मतलब होता है। NBT बिहार के लिए वैशाली से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट।